गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द आर्टिकल वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे बदल होता है? ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर देखा है कि ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप तो कम्प्लीट स्पीयर नहीं है। ओके, इट इज़ इलोंगेटेड एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स। तो इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होती है और एक पोल्स पर रेडियस कम होती है। तो हमें फार्मूला पता है ना, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, वेयर कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होती है तो जी की वैल्यू कम होगी, पोल पर रेडियस कम होती है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इक्वेटर पर वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और पोल पर कितने होते हैं 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था, यहाँ तक हमारा हुआ था, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर इफेक्ट किसका होता है? नंबर वन, शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ है ना, इक्वेटर पर सबसे कम होती है वैल्यू और पोल पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू चेंज होती है। और जो जी की वैल्यू हम लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। ओके, और जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है? ड्यू टू अल्टीट्यूड, ड्यू टू अल्टीट्यूड, या फिर उसको हम हाइट कहेंगे, हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द अर्थ सरफेस। जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट जी पर होता है। तो ये पॉइंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक यहाँ पर है नंबर थ्री, दैट इज डेप्थ। डेप्थ, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर अगर हम जाते टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तो जी की वैल्यू कैसे होगी, इंक्रीजिंग रहेगी या डिक्रीजिंग रहेगी, ये भी यहाँ पर डिस्कस करना है हमें। और नंबर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और दैट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन ऑफ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जैसे रोटेट होगी तो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कैसे होगी, यहाँ पर हम डिस्कस करना लैटिट्यूड में। ओके, तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दैट इज शेप ऑफ द अर्थ, सेकेंड है अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, देन डेप्थ इनसाइड द अर्थ एंड लैटिट्यूड। तो ऑलरेडी हमारा ये पॉइंट हुआ है लास्ट लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हम अल्टीट्यूड दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउ द अर्थ सर्फेस जैसे इंक्रीज होगी जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, हम यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ड्यू टू अल्टीट्यूड, ड्यू टू अल्टीट्यूड दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउ द अर्थ सरफेस। देखिए, पहले हमें यह पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर होता है, ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर हम यम कंसिडर करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ ओ, ओके, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर, कैपिटल यम इज द मास ऑफ द अर्थ, है ना। अब ये पर्टिकुलर्स आपको पता ही है, जैसे यम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 × 10^24 किलोग्राम। व्हाट इज आर? दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ये रेडियस ऑफ द अर्थ होती है, या फिर इसको हम लिखेंगे 6.4 × 10^6 मीटर, राइट। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड और प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस तो वहाँ पर उसका जो वेट होगा, ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस आर, सो आर स्क्वेयर।
Now, weight of the object, weight of any object is defined as the gravitational force exerted on it in downward direction. So, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि weight of object is nothing but the gravitational force exerted by earth on it. W is equal to E of gravitational force. W की value mg. So, this is ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. तो ये यहाँ पर एम एम कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट. ओके, तो देयरफॉर स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, इसके लिए फॉर्मूला है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वेयर. यहाँ पर जी का मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर. राइट, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, वो भी कांस्टेंट है. आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट है. मतलब ये जी की वैल्यू ऑन द अर्थ सर्फेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है. दिस इज अबाउट 9.83 to 9.78 और उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पर है लिखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. तो अर्थ सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. ठीक है, तो ये इससे हमने निकाली थी. ओके, नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट हम मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, अप टू द हाइट एच, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक लिफ्ट अप किया हमने, तो ये हाइट कितनी होगी यहाँ पर एच, दैट इज नोन एज अल्टीट्यूड. सो व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट नाउ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज एच, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो अब दोनों के बीच डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ, इनके बीच डिस्टेंस क्या हुआ फिर, लेट दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ओके, तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच. ये अब डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच. ओके, जब ये सरफेस पर था तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज मूव अप टू द हाइट एच अबाउट द अर्थ सरफेस, तो ये हाइट रेडियस के अंदर ऐड करनी होगी ना, तो दोनों के बीच अब डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच. ओके, आर प्लस एच. लेट एट दिस हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एच, एच सफिक्स लिखते. ओके, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑन सरफेस. ओके, एंड जी एच, एच सफिक्स लिखा है, देखिए यहाँ पर जी एच का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच अबाउट द अर्थ सरफेस. ओके, नाउ अब देखिए सेकंड कंडीशन में कि एट हाइट एच अबाउ द अर्थ सरफेस. ठीक है, नो, अब यच हाइट पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, वेट डब्ल्यू एच लिखेंगे हम, इज इक्वल टू यस एम जी एच मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमें पता है नहीं जी एच की वैल्यू जी से ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन चेंज जरूर होगी बिकॉज दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो गया. ओके, तो लेट एट हाइट एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी एच. तो वेट कितना होगा यहाँ पर, डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एम इंटू जी एच. राइट, उसके बाद अब ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा एफ एच, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट हाइट एच अबाउट द अर्थ सर्फेस. अब इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर प्लस एच, है ना, ये डिस्टेंस है आर प्लस एच, इसका स्क्वेयर लिखेंगे फिर. तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट. सो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एफ एच, मतलब वेट एट हाइट एच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सिचुएटेड एट हाइट एच. तो डब्ल्यू एच मतलब एम जी एच इज इक्वल, एच यहाँ पर सफिक्स है, जी एच मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, इज इक्वल टू जी एम
स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, m m गेट कैंसल, तो देयरफॉर जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच अबाउट द अर्थ सरफेस के लिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया स्टूडेंट। ओके देखिए, जैसे यहाँ पर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, ओके उसी तरह से यहाँ पर जी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो जी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच स्क्वायर, इसका मतलब हाइट जैसे इंक्रीज होगी, ओके तो जी एच की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए, हाइट जैसे इंक्रीज होगी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो ये जी एच डिक्रीजिंग रहेगी। ओके देखिए, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, मतलब इसको हम स्मॉल आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्क्वेयर। देयरफॉर जी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो अर्थ सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, फिर कम होगी ना। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब अगर हाइट इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये। तो जी एच की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। अगर हाइट दिए तो बाकी तो पर्टिकुलर पता है ना आपको, जी कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यम मास ऑफ द अर्थ, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब अगर हाइट पता है हमें, ओके 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब देखिए, इक्वेशन वन दैट गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस। इक्वेशन नंबर टू गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, ओके नाउ डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन। इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन, मतलब जी एच और जी का यहाँ पर हम रेशो लेंगे स्टूडेंट। जी एच डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, अब जी एच की वैल्यू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय जी, मतलब जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, देखिए जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी एम। तो ये जी एम कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर जी एच डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए, अगर हमें हाइट पता है और ये बाकी पर्टिकुलर है ना, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h निकाल सकते हैं। या फिर और एक फार्मूला यहाँ पर आ गया, देखिए जी एच की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। वाई? बिकॉज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस, और ये वैल्यू कितनी होगी, 9.8 या फिर राउंडेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, राइट। आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके प्लस एच मतलब हाइट, मतलब यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके ये यहाँ पर नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पर जी एम था, यहाँ पर जी एम नहीं, तो मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बजाय यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एच, और रेडियस अगर दिए तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके सो दैट वी कैन कंपेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर, यही फार्मूला है। ओके सिर्फ जी इधर लिखा है, तो ये जी एच के लिए फार्मूला स्टूडेंट। अब ये फार्मूला कब यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर थ्री,
इक्वेशन नंबर थ्री फार्मूला कब यूज करना हमें, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ सरफेस इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट कंपेरेबल है। कंपेरेबल मतलब जैसे हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितने 6400 है किलोमीटर, ठीक है, अगर हाइट है 4000 किलोमीटर तो 6000 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर कंपेरेबल है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 4000 किलोमीटर 6400 किलोमीटर से निग्लिजिबल नहीं है, तो कंपेरेटिव वैल्यू है। या फिर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा भी हो सकती है ना, जैसे 10000 किलोमीटर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, ओके 5000 8000 10000। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पता है आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इट इज़ अबाउट 36000 किलोमीटर। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ 6000 राउंडेड ऑफ कंसिडर करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ से 6 टाइम ज़्यादा है ना उसकी हाइट, यस इज इक्वल टू 6 आर, बिकॉज 36000 किलोमीटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये रेडियस से बहुत ज़्यादा होगी। ओके इस तरह की अगर हाइट होती है मतलब कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पर फिर ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। नाउ स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ही कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पर 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर इस तरह की अगर वैल्यू है, मतलब अगर हम 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर अगर कंसिडर करते तो कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर, तो ये हाइट बहुत ही कम है ना, तो ऐसे अगर हाइट कम होती है दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ सर्फेस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अलग से फार्मूला होगा उसके लिए। तो इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, अब तो इस आर को हम कॉमन निकालते हैं, देखिए किस तरह से आर अगर हम कॉमन निकालते हैं पैकेट के बाहर निकालते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा ना, प्लस एच बाय आर इस तरह से, और इस टोटल ब्रैकेट का फिर स्क्वेयर होगा। ओके देखिए फिर से एक बार बताता हूँ कि इक्वेशन नंबर थ्री जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर, या फिर जी एच का ये फार्मूला, ये दोनों एक ही है ना, ये फार्मूला कब यूज़ करना है स्टूडेंट, जब हाइट अबव द अर्थ सरफेस यह कंपेरेबल होगी टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 4000 5000 8000 12000 या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट 36000 किलोमीटर, मतलब एच की वैल्यू कंपेरेबल है टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तब ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके नाउ अब हम ऐसा फार्मूला यहाँ पर ऑप्टेन करने जा रहे हैं जबकि हाइट कैसी होगी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 500 ओके 1000 किलोमीटर तक, तो ये फार्मूला वहाँ पर यूज़ नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इफ़ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ सरफेस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तब हम यहाँ पर अलग से फार्मूला तैयार करने वाले हैं। देखिए यही फार्मूला आगे बढ़ाते हैं, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें से आर कॉमन निकालते हैं, देखिए आर कॉमन निकाला है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एच बाय आर, अब यहाँ पर आर नहीं था ना इसलिए हमने डिनोमिनेटर में आर लिखा है, फिर से देखिए आर इंटू 1 क्या होगा आर राइट, प्लस आर इंटू एच बाय आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा फिर से एच क्लियर अप और ब्रैकेट का स्क्वेयर। नाउ जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब आर का स्क्वेयर क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वेयर और इस ब्रैकेट का स्क्वेयर 1 प्लस एच बाय आर ब्रैकेट स्क्वेयर, ठीक है, तो देखिए आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, जी एच बाय जी इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ऊपर लेके आते हैं तो 1 प्लस एच बाय आर ओके रेस टू माइनस टू, पावर चेंज हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस एच बाय आर रेस टू माइनस टू राइट, तो ये कंडीशन किस
केस के लिए हम कंसिडर कर रहे कि इफ इफ यच इज लेस देन आर, मतलब हाइट ये रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, यच इज लेस देन आर, इसके लिए ये फॉर्मूला अलग से हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टेप आ जाती है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है एक्सपांशन से, लेकिन पावर क्या है यहाँ पर, माइनस टू है। देखिए अगर इस तरह का एक्सपांशन हमें करना है तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम ओके, तो एक फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर कि इफ़ एक्स इज़ निग्लिजिबल देन वन प्लस माइनस एक्स रेस्ट टू एन, इसको हम लिखते हैं वन प्लस माइनस एन एक्स। तो ये इतना फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला फिजिक्स के अंदर 5 to 6 टाइम्स यूज होने वाला है, डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर। ओके, देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ एक्स इज़ वेरी निग्लिजिबल, ओके एक्स इज़ निग्लिजिबल देन वन प्लस माइनस एक्स रेस्ट टू एन, तो इसका फार्मूला क्या याद रखना है आपको, वन प्लस माइनस एन एक्स। देखिए वन प्लस माइनस एक्स उसका पावर एन है, तो कैसे याद रखना है, वन प्लस माइनस पावर एन इंटू दिस टर्म एक्स। ओके, अब हमारे पास फार्मूला कौन सा है, देखें वन प्लस एच बाय आर रेस्ट टू माइनस टू। ओके, ये फार्मूला कब यूज़ करना है, एक्स की वैल्यू निग्लिजिबल है। अब हमारे पास वन प्लस एच बाय आर, मतलब अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वन वन प्लस प्लस यहाँ पर एच बाय आर मतलब एक्स होगा, तो एक्स कैसा होना चाहिए, निग्लिजिबल। देखिए हमारे पास एच बाय आर निग्लिजिबल है क्या, एच बाय आर इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम एच की वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट कितने, 640 किलोमीटर, कितना 640 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। वेरी स्मॉल हाइट मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 1000 किलोमीटर, ओके 800 to 1000 किलोमीटर, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा। हमने यहाँ पर 6040 नहीं, कितना है, ओके 640 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर कितना बचता है, 1/10 दैट इज 10^-1 मतलब 0.1, ठीक है। तो 0.1 मतलब निग्लिजिबल होते ना, 0.1 मतलब निग्लिजिबल, इसका मतलब 6400 जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे 640 किलोमीटर बहुत निग्लिजिबल है, ओके 0.1 टाइम्स है। अगर हम 64 किलोमीटर लेते हैं तो ये कितना होगा, 0.01 होगा स्टूडेंट, 64 किलोमीटर 0.01, तो 0.01 अगर हम 6 किलोमीटर लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है एट द हाइट 6.4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये वैल्यू कंपेयर टू रेडियस कितनी होगी, 0.001, तो 0.1 0.01 0.001 ये टर्म्स निग्लिजिबल है ना, यस। तो हमारे जो वैल्यू है h बाय r ये निग्लिजिबल है यहाँ पर, ओके इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं हम। तो ये कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस, अब n मतलब क्या होगा, पावर, तो हमारे पास पावर कितना है, माइनस टू, ओके और x x मतलब हमारे पास है h बाय r, h बाय r, तो ये होगा 1 - 2h/r, राइट प्लस माइनस माइनस 2 × h 2h/r, तो 1 + h/r ब्रैकेट रेस्ट टू माइनस टू, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 - 2h/r, ओके तो ये इक्वेशन कैसे होगा फिर, अब gh/g इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट के जगह पर ये आंसर लिखना हमें, 1 - 2h/r रेस्टूडेंट, ये इक्वेशन होगा, ओके सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, ओके देखिए ये फार्मूला कब यूज़ करना है हमें, अगर यश की वैल्यू कंपेरेबल टू आर है, मतलब यश की वैल्यू अगर 1000 में है, जैसे कि आर की वैल्यू भी 6400 है, तो उसके कंपेरेटिवली अगर यश की वैल्यू ठीक ठाक है,
थोड़ी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, ओके, लेकिन कंपेरेबल है। लेकिन अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ये बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है जी एच निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इफ़ एच इज़ लेस देन आर, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट, ओके। तो एच इज़ लेस देन आर मतलब एच की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, एच इज़ लेस देन और इक्वल टू 800 किलोमीटर, बस ये याद रखिए। तो न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यूज आपको इसी तरह से आएंगे कि 50 किलोमीटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालिए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, 600 तक, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोमीटर तक अगर न्यूमेरिकल पूछते तो उसके नीचे अगर हाइट की वैल्यू है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो स्टूडेंट, ओके। और अगर 1000, 2000 उससे आगे होगी तो फिर इक्वेशन नंबर 3 ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो जी एच देयरफॉर जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर, ओके। तो ये एक ही फार्मूला है इक्वेशन नंबर 4। तो इससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, वेरी स्मॉल हाइट h अबव द अर्थ सरफेस के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो दोनों इसमें एक ही पॉइंट यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीजिंग है, राइट। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा फिर कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड कैसे होगी, एज अल्टीट्यूड या हाइट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजिंग, ओके, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजिंग। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी, सरफेस पर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे हाइट इंक्रीज होगी अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजिंग रहेगी, ओके। देखिए मून का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सरफेस या अर्थ सेंटर से कितना है, 385,000 किलोमीटर, बराबर 3.85 लाख किलोमीटर। तो ड्यू टू अर्थ मून पर कितना एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और ये हमने निकाला था लास्ट लेक्चर। तो मून पर कितना होता है, 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इतने डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ही कम होगी ना, 0.0027। मतलब इससे कंक्लूजन निकलता है ना कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीज होती है, ओके स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या होगा कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी, ओके, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो ये रिलेशन याद रखिए आप, हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीजेस, ओके। चलिए स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द आर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट्स अल्टीट्यूड। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब यहाँ पर गिवन डाटा क्या दिया है, हाइट कितनी है, 400 किलोमीटर, ओके, एंड 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, मतलब जी एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए 400 किलोमीटर इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम है ना, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर यह चीज़ निग्लिजिबल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो एज यच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जी एच निकालने के लिए, जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लेना होगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर h अपॉन आर इसका रेशियो है,
मतलब देखिए हाइट किलोमीटर में है और आर भी यहाँ पर किलोमीटर में लिखा है, तो यही वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्जन की ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर हम कन्वर्जन भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए 400 किलोमीटर मतलब 400 इंटू किलो का मतलब 10^3 मीटर, सो दिस इज़ 4 × 10^5 मीटर। 400 मतलब 10^2 और ये 10^3 10^5 4 × 10^5 और यहाँ पर ये कितना होगा 6400 इंटू किलो मतलब 10^3। ओके नो, अभी यहाँ पर दो जीरोज है मतलब 10^2 और ये 10^3 10^5 होगा 64 × 10^5 मीटर, ठीक है ना। तो एच बाय आर यहाँ पर तो रेशियो है, इसलिए मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा या फिर किलोमीटर ये भी वैल्यू रखते हैं तो भी सेम रेशियो आता है। देखिए अब जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू एच कितना है 4 × 10^5 डिवाइडेड बाय आर 64 × 10^5। ओके 10^5 कैंसिल। अब जी एच इज इक्वल टू 9.8 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 × 4 कितना 8 डिवाइड बाय 64 राइट 9.8 इन ब्रैकेट 1 माइनस अब 8 × 64 तो ये आएगा 1/8 यहाँ पर। जी एच इज इक्वल टू 9.8 इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 × 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 सो दिस इज 9.8 × 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 8। जी एच इज इक्वल टू तो यहाँ पर पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हुए बाद में फिर 8 से डिवाइड करेंगे 7 × 8 = 56 कैरी 5 7 × 9 = 63 प्लस 5 68 तो ये 68.6 डिवाइडेड बाय 8 सो जी एच की वैल्यू कितनी आएगी अब 8 से डिवाइड कीजिए 8 × 8 = 64 कैरी 4 तो ये 46 हो जाएगा पॉइंट देने के बाद 46 मतलब 8 × 5 = 40 कैरी 6 60 8 × 7 = 56 कैरी 4 40 8 × 5 = 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑन द अर्थ सरफेस कितने 9.8 और 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ वैल्यू कितने आ गई 8.575 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 400 किलोमीटर तक वैल्यू कम हो गई 9.8 से 8.575 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट। तो इस तरह से ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड वन अ बॉडी वेग्स 98 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एच एंड वेट ऑफ दिस बॉडी एट हाइट एच इज इक्वल टू आर। देखिए हाइट कितनी दी है एच इज इक्वल टू आर तो गिवन है यहाँ पर एच इज इक्वल टू आर दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर मतलब हाइट अबव द अर्थ सरफेस कितनी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ तो हाइट कितनी होगी फिर 6400 किलोमीटर। ओके नो अब इतने हाइट पर हमें जी एच की वैल्यू निकालनी है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस कितना दिया है 98 न्यूटन। देखिए ऑन अर्थ सरफेस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी और इसकी वैल्यू कितनी दी है 98 न्यूटन। ओके तो इससे हम एम की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं एम इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इज इक्वल टू 98 देयर फोर एम इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 9.8 तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 10 किलोग्राम। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 10 किलोग्राम। अगर 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हम हाइट एच इज इक्वल टू आर मतलब फ्रॉम द सरफेस अगर 6400 किलोमीटर पर लेके जाते तो मास तो चेंज नहीं होगा ना, हाँ वेट जरूर चेंज होगा बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही। ओके तो मास इतना है यहाँ पर। नो देखिए ऑन अर्थ सरफेस वेट दिया है डब्ल्यू कितना है 98 न्यूटन। अब यश हाइट पर वेट पहले निकालते हैं हम तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा। देखिए यश इज कंपेरेबल टू आर है मतलब जी एच
divided by g is equal to r square divided by r plus h bracket square. यही फॉर्मूला यूज़ करना हमें. अगर हम दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये क्या मिलेगा, वेट मिलता है. डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर. बराबर है, मास तो सेम रहता है लेकिन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने के कारण वेट भी चेंज होता है. तो यम इंटू जी एच मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट एच, यम इंटू जी दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर. नाउ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस, अब यश की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू आर है, तो यश को हम आर लिखते हैं ब्रैकेट स्क्वेयर. आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर टू आर ब्रैकेट स्क्वेयर, सो दिस इज आर स्क्वेयर डिवाइड बाय टू का स्क्वेयर फोर आर स्क्वेयर, सो दिस इज वन बाय फोर, राइट. आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. नाउ डब्ल्यू एच इज इक्वल टू वन बाय फोर टाइम्स डब्ल्यू, वन बाय फोर टाइम्स. अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है ऑन द अर्थ सर्फेस, 98, ओके, इज इक्वल टू फोर से डिवाइड कीजिए कितना आएगा ये, फोर टू ज़ा एट कैरी वन मतलब 18, फोर फोर ज़ा 16 है ना, कैरी कितना टू मतलब 20 हो गया पॉइंट देने के बाद, फोर फाइव ज़ा 20 न्यूटन. मतलब एट द हाइट एच, मतलब एच इज इक्वल टू आर, इतने अल्टीट्यूड पर हाइट पर वेट कितना होगा, 24.5 न्यूटन. मतलब अर्थ सरफेस पर 98 है उसे 1/4 टाइम होगा, दैट इज 24.5 न्यूटन, ये इसका वेट आ गया स्टूडेंट, ओके, एट हाइट एच. अब डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है, यम इन टू जी एच, तो देयरफॉर इसे हम जी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई ये मास होगा यहाँ पर. अब डब्ल्यू एच मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट एच कितना है, 24.5 डिवाइडेड बाय मास, इसलिए हमने मास यहाँ पर निकाला था, ओके, तो 10 डिवाइड बाय 10, तो जी एच की वैल्यू क्या होगी फिर, दिस इज 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. देखिए डिवाइड बाय 10 है मतलब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ एक डिजिट से शिफ्ट होगा, तो 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. मतलब देखिए कि अर्थ है यहाँ पर जिसकी रेडियस आर है, और रेडियस इतनी हाइट अगर हम लेते यहाँ पर एच इज इक्वल टू आर, जो सरफेस पर वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही हाइट एच इज इक्वल टू आर पर कितनी होगी, 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बहुत कम हो गए ना वैल्यू. इस तरह से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट किया हमने, ओके. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द अल्टीट्यूड एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 4% ऑफ दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पर वैल्यू कितनी होती है, 9.8, ओके, उससे सिर्फ 4% वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचती है, तो ये अल्टीट्यूड हमें निकालना है. देखिए फाइंड द अल्टीट्यूड मतलब एच हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी एच इज इक्वल टू 4% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस मतलब जी. तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड एच, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने, जस्ट 4% ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, उससे 4% ही बचे यहाँ पर, ओके. तो ये इक्वेशन जी एच इज इक्वल टू 4% ऑफ जी, सो जी एच इज इक्वल टू 4% मतलब 4/100 इंटू जी, दैट इज 1/25 इंटू जी, है ना, 4/100 मतलब 1/25, दैट मीन्स जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1/25, ये रेशो आ गया स्टूडेंट यहाँ पर. और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट एच निकालनी है ना. फाइंड अल्टीट्यूड एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 4% ऑफ दैट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. नाउ अब 4% ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बची, मतलब हाइट बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना. तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इफ़ h इज़ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो फार्मूला हमारे पास है जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर.
राइट। अब जी एच बाई जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आर स्क्वेयर अपॉन ब्रैकेट स्क्वेयर है और यहाँ पर 1/25, और 25 भी यहाँ पर कंप्लीट स्क्वेयर फिगर है ना, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड पर हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं, 1 का स्क्वेयर रूट 1, 25 का स्क्वेयर रूट 5 है ना, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आर, और ब्रैकेट का स्क्वेयर है तो सिर्फ ब्रैकेट लिखते हैं हम यहाँ पर आर प्लस एच। ओके क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1 + r + h, ओके 1 × r + h दैट इज आर प्लस एच इज इक्वल टू 5 × r 5r, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 5r और ये r इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 4r, एच इज इक्वल टू 4r, मतलब वेयर r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके तो हाइट कितनी होगी, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जस्ट 4% है, तो ये हाइट होगी 4 times ज़्यादा होगी टू द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज इक्वल टू 4r है ना, मतलब यहाँ पर ये सेंटर है रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये हाइट कितनी होगी स्टूडेंट, ये हाइट होगी 4r। ओके फ्रॉम द सरफेस टू द ऑब्जेक्ट ये हाइट होगी 4r, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द सेंटर, r प्लस 4r दैट इज 5r होगा है ना। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जो हाइट निकली है उसके अंदर हमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करनी होगी राइट। तो यहाँ पर फ्रॉम द सरफेस इसका आंसर कितना होगा 4r, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा 5r होगा। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ निकाली हमने, तो एच इज इक्वल टू 4 × अब r की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो h इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 4 4 16 कैरी 1 4 6 24 + 1 25। ओके तो हाइट कितनी होगी स्टूडेंट, एक्चुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 25600 किलोमीटर, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 4% ही रहेगी। ओके राइट।